Thank you. Okay. Hey guys, welcome to my channel. Be happy with Shiptanu. आज है Saturday और February end होने वाला है और ठंड भी almost जा चुका है. बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्की हल्की सी ठंड है. Around दिन के time पे 15 degree, 13 degree, 12 degree ऐसा रह रहा है और रात के time पे 4 degrees ऐसे रह रहा है. तो ठंड जो है almost जा चुका है और समर का इफेक्ट धीरे धीरे आ रहा है और लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि ठंड के मौसम में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट. क्योंकि आज सभी को पता है इतने ज़्यादा ठंड में, एक सेकेंड रास्ता क्रॉस कर लेती हूँ फिर बताती हूँ. और डबल खुशी है क्योंकि एक तो समर आ रहा है और यहाँ पर समर जो है बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहता है, सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और स्पेशली ब्राइटन जो है ना, नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे स्पेशली समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, चहल पहल, और सब मस्ती के मूड में रहते हैं. तो वो देखो दोनों बाप बेटी आ रहे हैं. तो हम लोग जा रहे हैं आज सी बीच की तरफ. काफ़ी लंबे टाइम के बाद इतने दिनों तक ठंड के कारण सी बीच में जाके बैठना बिल्कुल हो ही नहीं रहा था. इतना ठंड लगता था कि नहीं बैठ पाते थे, बट अब ऐसा लग रहा है फाइनली समर आ गया और फिर से लास्ट ईयर जैसा जो थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने किया था और वैसा ही दिन फिर से वापस आ रहे हैं. और डबल खुशी इस बात की है कि यहाँ पर जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन रखा था यहाँ की गवर्नमेंट ने और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है. तो इसलिए और भी ज़्यादा डबल खुशी है कि हमारे यहाँ से कोरोना भी चला गया है, ऑलमोस्ट जा रहा है धीरे धीरे. साथ ही वेदर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, हैपनिंग एकदम मस्त, सनी डे है. तो ऐसे में घूमने जाना तो बनता ही है, तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं. सुबह तो नहीं, दिन के टाइम पे दोपहर हो गए तो हम लोगों ने, और आज क्योंकि सैटरडे है तो कल रात को मूवी देख के थोड़ा सा लेट सोए थे, इसलिए लेट उठे हैं सुबह, तो इसलिए ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ है, ब्रंच ही कर लिया हम लोगों ने एक बार में. और अभी निकल गए घर से और थोड़ा सा बीच में टाइम स्पेंड करेंगे. तो आप लोग भी मेरे साथ चलो फिर से नए तरीके से इस बार ब्राइटन बीच देखने. सो सब अपना अपना जुगाड़ जंतर करके बीच में जा रहे हैं और बीच में जाके मस्ती करें. और यहाँ पे ये गर्मी के टाइम पे ना बहुत सारे राइड्स होते हैं, बहुत सारे वाटर राइड्स होते हैं. तो हम लोग के वहाँ से दिखता है, मेरे घर से दिखता है, तो समंदर में काफ़ी लोग स्पीड बोट्स और ये सब लेकर निकल गए हैं, बहुत सारे राइड्स वगैरह कर रहे हैं. तो हम लोग से भी कंट्रोल नहीं हुआ, हम लोग भी सोचे चलो निकल ही जाते हैं, थोड़ा सा देख करके आते हैं कैसा है वेदर. और इस बार हम लोग समर में फुल टू मस्ती करने वाले हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ रहना और आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूँगी. आई होप, मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ. और चलो थोड़ा सा वेदर का मज़ा लेते हैं. चलो बहुत दिनों बाद निकले हम लोग, काफ़ी फ्रेश वेदर फील कर रहे हैं. तो ये बैग में हम लोगों ने अपना सारा आइटम रख लिया है ज़रूरत वाला और साथ में ये हिया का स्कूटी ले लिया है क्योंकि आज हम लोग ट्रैम लेके नहीं निकले. कुछ ग्रॉसरी भी छोटे मोटे लाइक ब्रेड, दूध, ये सब ख़त्म हो गया है तो वो सब ले लेना है. और ये देखो लोग यहाँ पे कार में इस तरीके से साइकिल वगैरह लेके निकल जाते हैं. बेटो हाथ धोने ना एक बार. तो आ गए ना पुराने रूप में, पुराना समर याद आ रहा है लास्ट ईयर का. और आई होप कि इस साल और भी अच्छे से हम लोग समर को सेलिब्रेट करें, मैं बोलने जा रही थी, और भी अच्छी तरीके से समर हम लोग
यहाँ पे बिताए। और एक्चुअली तो एक्चुअली मैं यहाँ पे समर जो है ना एक सेलिब्रेशन जैसा ही है। डैडा बेटू को सिखा रहे स्कूटी कैसे राइड करना। उसके पास एक और था लेकिन हम लोग जो एक महीने के लिए इंडिया गए थे ना उस टाइम पे वो स्कूटी जो है वहीं मैंने अपने मेट को दे दिया था उसके बच्चे को और वो रिटर्न लेके नहीं आए थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल फिर से उसको स्कूटी लेके दी इतने दिन के बाद, क्योंकि इसके पहले तक वो थोड़ा सा डरती थी, पता नहीं मुझे क्यों, एक एक बच्चे का एक एक रहता है तो वो डरती थी। बट अब फाइनली उसको भी बोली कि स्कूटी चाहिए तो उसको स्कूटी मैंने लेके दिया, अब वो कर रही है अच्छा। तो खैर अभी वेदर का मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा बीच में जाते हैं, बीच में जाने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और बाकी जैसे जैसे जो जो होता है मैं अपडेट देती रहूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा लंबा पैदल चलने का तो मन नहीं है लेकिन कोई ठिकाना भी नहीं हम लोगों के मूड का कि हम लोग कब कहाँ कैसे निकल जाते हैं। सो देखते हैं, हाँ उस साइड से नीचे उतरना है हम लोगों को। और अभी आप देख लो फेब्रवरी एंड होने वाला है, एंड हुआ नहीं है और उसी में ये हाल है। ठंड अभी भी है, ऐसा नहीं कि ठंड चला गया पूरी तरीके से। जैकेट में पहनी हूँ उसी को देख के आपको लग रहा होगा ठंड है अभी भी, और स्पेशली वहाँ नीचे जाके बैठो तो और ठंड लगता है क्योंकि हवा चलते रहता है। लेकिन फिर भी हालत देख लो अभी से, हम मतलब थोड़े दिन बाद जब पूरा एकदम समर आ जाएगा ना अप्रैल मई जून में, उस समय तो बीच में बैठने का जगह नहीं मिलता, इतना भीड़ रहता है। चलो चलो बेटू सो जा, चलो सो जा। জোরে করে তুমি ওকে আইল টেল ইউ আইসক্রিম ফর ইউ ওকে এখানে ভালো বেটু এখানে তুমি করতে পারো। बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे आके, और बैठते हैं थोड़ी देर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लग गया अभी से ही, और ये जो बीच आप देख रहे हैं ना ये हम लोग के जस्ट घर के पास है, इसके पीछे ही बिल्डिंग है हम लोग का। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था वीडियो में, और वो जो है ब्राइटन पियर वाला जो उसके सामने वाला जो बीच है वहाँ पे थोड़ा सा पत्थर है, और आगे जाके ना जब लो टाइड रहता है तो वहाँ पे पूरा रेत है, सैंड है, और यहाँ पे सैंड नहीं है। सैंड होगा शायद पानी में उतरने के बाद सैंड होगा, लेकिन पत्थर वाला बीच है। चलो चलते हैं, बैठने का जगह खोजो कहीं और चलते हैं फिर। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन के बाद आके, एक्चुअली घर से निकल के काफ़ी दिन के बाद हम लोग घर से भी निकले हैं, सब सोए पड़े हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। देखो कुछ बोलना है, चलो बीच में बैठ के बोलते हैं। चलो लेट्स गो। Oh,
है कि नहीं बोलती भेजा ना फिर घंटे को हाँ। तो अभी आप देख सकते हैं सैंड दिख रहा है यार कि जो है लो टाइड है एकदम। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा। वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं फिर से, सब मस्ती ही कर रहे हैं। और मैं अपने लूसी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यार, जब यहाँ पे डॉग्स को देखती हूँ ना बीच में पानी में मस्ती करते हुए, तो मैं भी लूसी को बहुत मिस करती हूँ। तो कुछ बोलना है क्या बोलूं, इतना सुंदर वेदर के साथ इतना अच्छा वीकेंड मिला है, सनी वेदर। अभी तो आगे बस यही है, अभी लास्ट ईयर का हम लोगों ने समर मिस किया, उतना समर का वैल्यू समझा नहीं, और विंटर आते आते फिर समर का वैल्यू पता चला। इस बार तो हर दिन ही एंजॉय करेंगे, और वीकेंड को स्पेशली तो निकलना ही है। और बारबेक्यू तो हर वीकेंड का ही मेरा प्लान है कि वीकेंड में आके बीच में बारबेक्यू करें। अभी देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, लेकिन आज शायद समर का पहला दिन है, पहला वीकेंड है, और पहला वीकेंड को ही मेरे ख्याल से हर ब्राइटन वासी ने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया है, और हम लोग भी वेलकम करने के लिए बीच पे आए हैं। और वेलकम करते करते वो देखो पीछे देखो, तो वेलकम करने के लिए लोग इस तरीके का कुछ इंतजाम करते हैं, देखो जा रहे हैं। जनिशा का पैंट भी भीग गया है वेलकम करने के चक्कर में। हाँ, गिर गए दोनों पानी में। दोनों पानी में देखो देखो बेटू, देखो जा रहे हैं। तुमको चाहिए ऐसे? तो ये क्योंकि सी बीच एरिया है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर एकदम ड्रेसअप होके और सबको मैक्सिमम स्विमिंग आता है, तो इसलिए लोग जा रहे हैं। और नहीं है हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि ये सी बीच एरिया है ना, तो एकदम प्रॉपर ड्रेसअप होके ही लोग जाते हैं। तो लास्ट ईयर हाँ मैं देख रही हूँ, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने समर का मतलब मजा लेना बहुत देरी से स्टार्ट किया था, बहुत देरी से, और समर को उतना वैल्यू नहीं दिया। हाँ। और विंटर आता थे पता चला कि नहीं, समर दो महीने का ही होता है, लेकिन उसको बहुत पूरी अच्छा तरह से वैल्यू देना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद फिर विंटर काफ़ी आइसोलेटेड हो जाता है। तो इस बार हम लोग वो दो महीना पूरा साल भर की तरह जियेंगे, वही प्लान है। आज से ही शुरुआत कर, आज से ही शुरुआत करेंगे, और किसी भी दिन को समर का मिस नहीं करना है, एकदम हर दिन को वैल्यू देना है। लेकिन अभी ठंड पूरी तरीके से गया नहीं, इसलिए आप जिनको भी देख रहे हैं समर का मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में जैकेट भी है ही सबके पास, क्योंकि ठंड है काफ़ी। ठंड नहीं, काफ़ी नहीं है। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे स्नोफॉल होने टाइम पे था उतना भी नहीं है, लेकिन है फिर भी है कि जैकेट लगेगा। बीच एरिया में थोड़ा बहुत तो ठंडा लगता है, स्पेशली हवा चलता है, हवा नहीं उतना, आज हवा नहीं है, लेकिन फिर भी है, हवा है काफ़ी है। वे फिर भी मतलब ये लॉकडाउन का सीन है, देखिए उधर दिखाओ, लॉकडाउन लॉकडाउन का हाँ, लॉकडाउन में ये हालत है। तो एक बार और नया बोरिस जॉनसन का नया ये इंफॉर्मेशन आया है कि अराउंड मेरे ख्याल से मैक्सिमम दो महीने में खुल जाएगा सारा लॉकडाउन। तो सोचिए अभी ये हालत है समर में, तो अगर समर में खोल दे और तो फिर क्या हालत होगा। खैर अभी सिचुएशन लेकिन अच्छा है, लेकिन अच्छा अच्छी बात ये है कि मतलब लॉकडाउन होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गया है, और ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन है तो यही है बात। और वहाँ पे डॉगी जो है उसको जाना नहीं है, और उसके जो ओनर है वो खींच के लेके जा रहे हैं डॉगी, लो उसको मस्ती करना है पानी में। देखो खुदा खानी कर रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, धूप है क्योंकि उस साइड से देखो।
करता हूँ क्या मन पड़ जाता है। পাথর ফেলে ভালো লাগছে? স্টোন থ্রো করে? তো গাইস, হাম লোগ বিচ সে নিকল গয়ে হ্যায় অর আবি হাম লোগ জা রহে হ্যায় মরিসন কি তরফ, ক্যুঁকি ফিশ লেনা হ্যায়, ফিশ খতম হো গয়া হ্যায়। घर से जब भी निकलो तो कुछ ना कुछ ग्रॉसरी और स्पेशली वीकेंड पे कुछ ना कुछ लगता ही है ख़रीदना। तो फ़िश लेना है आज, और मॉरिसन में ना एकदम फ्रेश फ़िश मिलते हैं, और बाकी जगह में मोस्टली अगर आप लाइक तिलापिया, मुझे लेना था क्योंकि मुझे करी बनानी है उससे, वो तिलापिया फ़िश जो है बाकी जगह पे नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग पैदल आ चुके हैं ब्राइट एंड पियर तक, और वेदर अच्छा है इसलिए पैदल चलने में भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा लगता है पैदल चल के आने में। सो आप देख सकते हैं मेरे आसपास का माहौल, सब शुरू हो गए हैं अभी से मस्ती करना गर्मी के, और यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे भीड़ और भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ब्राइट एंड पियर बंद है, ब्राइट एंड पियर अभी तक खुला नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे। फिश एंड चिप्स लेने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है, एकदम लाइन लंबा लगा के लोग खड़े हैं फिश एंड चिप्स खरीदे। यहाँ के यूके में फिश एंड चिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और हर जगह में फिश एंड चिप्स अवेलेबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। तो गाइज हम लोग आ गए हैं घर और थक गए हैं, क्योंकि ग्रॉसरी थोड़ा 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 लेते लेते काफ़ी सारा हो जाता है। और आज मैं फ़िश के लिए गई थी, तो वही फ़िश मैंने सोचा कि आपको बताया था तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। और फ़िश मैंने लिया है दो तरीके से, दो तरीके का। और हम लोग जब गए मॉरिसन तो ऑलमोस्ट सब खाली हो गया था। सुबह सुबह जाने से एक्चुअली बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अब जो मिला उसी में से लिया मैंने। लेकिन ये वाला फ़िश मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। फर्स्ट टाइम मैं ये वाला फ़िश ट्राई करने वाली हूँ, और इसकी रेसिपी हो सकता है कि मैं अपने चैनल पर डाल दूँ तनुज पाँच फ्रोन पर, तो आप चेक करते रहना उसको। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तनुज पाँच फ्रोन तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ठीक है, तो मैं आपको फ़िश दिखाती हूँ, उसके पहले आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करते। और तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ये वाली फिश मैंने ली है, ये देखो इस तरीके से। ये वाला फिश ना यहाँ पे जो फिशिंग करते हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा ये वाला फिश ही पकड़ते हैं। सीज़न रहता है एक्चुअली एक एक टाइम पे, कि अप्रैल के टाइम पे इस टाइप के फिश आते हैं, मई में दूसरे किसी टाइप के फिश आते हैं, तो एक एक टाइम पे एक एक फिश का सीज़न रहता है, वो वाले फिश ज़्यादा मिलते हैं। तो ये वाला फ़िश मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, मैंने सुना है कि ये फ़िश बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो देखने ट्राई करने के बाद ये वाला फ़िश। और ये है एक और फिश जो मैंने लिया है, तो चलो बाय बाय।